रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। शादी इंदौर में हुई है और खंडवा मेरा मायका है बड़ा हुआ है। और पति से शादी तो लव मैरिज हुई है, पापा के तो कोई मर्जी से हुई नहीं है। तो वो चार साल से पति बहुत टोचर मारा कुटी बहुत कर रहा था, तो पापा के घर आ गई। अब पापा ने रख तो लिया, मेरी छोरी को भी रख लिया। पर कल आया वो चाकू दिखा रहा था और मेरी छोरी को छीना, छोरी को झटके से लेके चला गया। कितनी साल की बच्ची है? दो साल की। और मेरे दोनों मोबाइल, एक मोबाइल उसी का है एक मेरा है, मेरे भाई का पूरा पैसे लगे हैं उसमें मोबाइल में, तो वो भी ले गया। मेरे भाई की सिम भी ले गया, उसमें मेरे भाई का अकाउंट भी है 22,000 भी है, और वो भी छुड़ा के ले गया। और बोल रहा है कि आ जाना बोले प्रेमनगर में, वहाँ आके देऊगा बोले, और छोड़ूगा भी नहीं तेरे को भी और तेरे भाइयों को भी, जहाँ भी दिखेगी मार डालूंगा। क्या नाम है लड़के का? अभिषेक बोरासी। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वजह क्या उसकी? दारू पीकर, दारू खूब पीता है। आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहती है मेरी छोरी भी मुझे मिल जाए और तलाक हो जाए। कहाँ रहते हो आप? यहाँ पे बड़ा वार्ड पिता बेचारा हर्षा का पिता मैं गोकुल प्रसाद केवट। क्या हुआ था दादा, इधर देख के बताओ पूरा। जी हाँ, गोकुल प्रसाद केवट ये बच्ची नाबालिग थी, जब से ये क्या बोलते बहला फुसला के लेके गए, और जब से लापता की मैंने रिपोर्ट भी डाला था पर वो मिल नहीं पाया। जब चबल से बालिग हो गई, जब ये लोग यहाँ आए खंडवा में, जब मालूम पड़ा कि ये फलानी जगह है, तो पहले भी इसको न्यूरोलॉजी की शिकायत है, सर में चबल से इसका MRI हो चुका है, तो ये वजह से ये घर से निकल जाती थी। तो दो बार पहले भी मैं इसको लेके आया था, एक बार रामनगर थाने से, एक बार यहाँ से। क्या हुआ वाली से? तो ये उस समय भी ये निकल गई घर से, तो इन लोगों ने लापता कर दिया। कल क्या हुआ? कल अब क्या हुआ? कल जो है क्या बोलते हैं वो जो दामाद है क्या, वो आया और चाकू बताया, इसको चाकू मारने को लगा तो मैंने रोका। उसके बाद में वो बच्ची को लिया और उसका मोबाइल लिया और छुड़ा के चला गया। मतलब आपकी नाती को ले गया वो? जी नवासी को, चाकू की नवासी को। हाँ, चाकू की नोक पे। जी मोबाइल भी ले गया? किसका मोबाइल ले गया? एक किसका मोबाइल ले गया? वो बच्ची का ही था। मेरा कल जो ले गया वो मेरा था आज। तो ये साथ में नहीं रहते थे क्या? नहीं, वो ये साथ में ही रहते थे, बेटी दामाद इंदौर में। अभी कब से अलग रह रहे थे? अभी तो 6-7 दिन हुए, मैं अपने मायके आ गई, बहुत परेशान हो गई, बार बार मारने की धमकी देता था, छोड़ूगा नहीं, जब अकेले मिलेगी मार डालूगा मार डालूगा, इसी डर के मारे में मेरे घर आ गई। वो छोरी को भी बोलता था, ये छोरी तो बोले मैं सब बेच देऊंगा और अनाथ आश्रम में डाल दूंगा, नहीं पालेगी तो तू, यूँ बोलता था। और मेरी सास बोलती आज की बोले तुम लोग तुम्हारा मैटर निपटो, मैं तो लेके जा रही हूँ मेरी छोरी को, तो उसका तो कोई हक नहीं बनता है जो उसको लेके जाए वो। कितने साल की बच्ची? 2 साल के, दूध पीती है अभी। अच्छा। और कल से मेरे पास नहीं है। अब आप कहाँ पे आए अभी आज? तो मैं ये कोतवाली में थाने पे रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ, अभी बोला है कि 10 मिनट से आ रहा है। दोबारा आया था वो। यहाँ पे उसका घर है और मेरे यहाँ का रहने वाला है सियाराम चौक प्रेमनगर।